हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाषा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पॉलीनोमियल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करूंगी। जैसे कि ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बच्चों, क्या क्वेश्चन बोलता है आपका, द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द सम पॉलीनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है बच्चों हर एक केस में। यहाँ आपको 6 केसेस दिए हैं, इन 6 केसेस में आपको बताना है हर एक केस में कि नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, ठीक है। जैसे कि आप फर्स्ट केस में मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ जीरोस आप ग्राफिकली कैसे बता सकते हैं, जितने बार नंबर ऑफ जीरोस आप कैसे बताते हैं कि जब भी वो ग्राफ को एक्स एक्सिस में जितने बार टच करेंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। मीन्स किसी भी ग्राफ में आपको कोई भी गिवन होगा ग्राफ, तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने का तरीका क्या है, जितने बार वो एक्स एक्सिस पे टच करेगा, जब भी ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा, टच करेगा जितने टाइम्स उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे कि हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन ईच केस को। तो फर्स्ट केस क्या है बच्चों आपका, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपका ग्राफ है गिवन है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ ये एक बार भी टच नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो ये ग्राफ है इसमें एक बार भी टच नहीं किया एक्स एक्सिस को। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे बच्चों, जीरो। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो जाएंगे हर एक केस में। इसमें नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, फर्स्ट केस में जीरो। नंबर ऑफ जीरोस क्या कितने हो जाएंगे, जीरो, क्योंकि इसने एक बार भी टच नहीं किया है ग्राफ, ठीक है। सिमिलरली आप सेकेंड वाले पार्ट में देख सकते हैं कि इसने, ये जो ग्राफ है आपका, ये एक बार टच किया इसने एक्स एक्सिस को, वन टाइम, ओनली वन टाइम इसने एक्स एक्सिस को टच किया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, वन। तो इस केस में क्या है नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस इज इक्वल टू वन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन इज, जैसे कि यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं जो ये ग्राफ है आपको एक्स एक्सिस पे कितने बार टच कर रहा है, वन, देन टू या थ्री टाइम्स इसने कट किया एक्स एक्सिस को। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जीरोस हैं आपके कितने हो जाएंगे इस केस में, थ्री, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, थ्री, यहाँ लिख लीजिएगा नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस इज इक्वल टू थ्री। सिमिलर वे में आप फोर्थ वाले के तो देख सकते हैं, फोर्थ वाले में आप ये देख रहे हैं कितने टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, टू टाइम्स। आपको वाई से मतलब नहीं होता है बच्चों, खाली एक्स से मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो जाएंगे, टू। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू टू। सिमिलरली इस वाले केस में आप देख सकते हैं कि ग्राफ ने वन टू थ्री एंड फोर टाइम्स कट किया है एक्स एक्सिस पे। तो नंबर ऑफ जीरोस इस केस में कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू फोर, ठीक है। फोर टाइम्स कट किया तो फोर हो गए नंबर ऑफ जीरोस। ऐसे ही इस केस में देखेंगे सिक्स वन में, वन टू थ्री टाइम्स इसने एक्स एक्सिस को काट किया बच्चों। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ जीरोस जीरोस इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज 2.1 को आप करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स। तो ये आपका क्या होता है बच्चों कि अगर आपके पास इफ पी एक्स एंड, ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, इफ पी एक्स एंड जी एक्स बी टू पॉलीनोमियल्स दो पॉलीनोमियल्स हैं आपके पास पी एक्स एंड जी एक्स, सो दैट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कैन फाइंड qx and rx and rx satisfying the following condition, satisfying
फॉलोइंग कंडीशन दैट इज आप क्या कह सकते हैं जो इस कंडीशन को बच्चों सेटिस्फाई करे, p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r x, इस कंडीशन को क्या करे सेटिस्फाई करे, एंड जो आपका r x है बच्चों दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, एंड जो डिग्री ऑफ r x है r x दैट सपोज टू बी लेस देन द डिग्री ऑफ gx. तो ये क्या होता है बच्चों, आपको जो डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल्स है, व्हाट इट सेज, इफ यू हैव टू पॉलिनोमियल्स px एंड gx बी द टू पॉलिनोमियल्स एंड gx इज नॉट नेवर बी इक्वल टू जीरो, देन वी कैन फाइंड द qx एंड rx सेटिस्फाइंग दिस फॉलोइंग कंडीशन. मींस ये क्या कह रहा है आपको डिवीजन एल्गोरिथम, कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल्स हैं बच्चों px और gx, ठीक है, और gx क्या है आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, और जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है. इसको डिकोड करते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे आपने पढ़ा है डिविडेंड, जो डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर. बच्चों आप बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं इसको, ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम को आपने बचपन से पढ़ा है, रिमाइंडर, ठीक है. तो उसी चीज़ को उनने, इसी स्टेटमेंट को उनने इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स बोल दिया है. क्या पी एक्स क्या है यहाँ पे आपका बच्चों डिविडेंड है, जी एक्स क्या है आपका डिवाइजर है, क्यू एक्स विल बी द क्वेश्चन एंड आर एक्स बी द रिमाइंडर, ठीक है. इस टर्म में हमने क्या किया एक्सप्रेस किया, जैसे कि आप यहाँ बोल सकते हैं कि जी एक्स क्या है आपका डिवाइजर है, पी एक्स आपका क्या है पॉलिनोमियल है, मीन्स वो क्या है आपका पी एक्स क्या है डिवाइडेंड है, एंड क्यू एक्स बी द क्वेश्चन एंड जो आपका रिमाइंडर आएगा दैट शुड बी अ रिमाइंडर, आर एक्स बी अ रिमाइंडर, ठीक है. इस तरीके से हमने क्या कर रखा है बच्चों डिफाइन कर रखा है. तो और कंडीशन क्या बोल रखी है बच्चों, कंडीशन ये बोली है जो ये आर एक्स है आपका, ठीक है, ये आर एक्स ये आइदर या तो जीरो होगा, अगर बच्चों ये जीरो होगा तो ये कम्प्लीटली इसको क्या करेगा डिवाइड कर देगा, ठीक है. और दूसरी कंडीशन में क्या बोल रखा है, जो डिग्री ऑफ आर एक्स होगी मीन्स जो आर एक्स की डिग्री होगी दैट शुड बी स्मॉलर देन द डिग्री ऑफ जी एक्स, मीन्स डिवाइजर से जो रिमाइंडर की डिग्री है वो क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, ठीक है. पहली बात तो क्या, आपके पास दो पॉलिनोमियल्स गिवन है जी एक्स एंड पी एक्स, जिसमें जी एक्स आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता. तो जब आपके पास ये दो पॉलिनोमियल्स होंगे तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं, क्यू एक्स और आर एक्स फाइंड कर सकते हैं, जिसमें और दूसरी कंडीशन के बोल रखी है जो आर एक्स होगा आपका वो तो जीरो होगा, अगर जीरो होगा तो वो फुल्ली डिवाइड हो जाएगा, और सेकंड केस में अगर वो आर एक्स कुछ रिमाइंडर आ जाता है तो आर एक्स को क्या होना चाहिए, जो उसकी डिग्री ऑफ आर एक्स है दैट शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ जी एक्स. तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.